खाली लड़ा एक हाथ में फोटो लेके आया खाली लेना तो अरे खामोश चल दे तो बोल के ऐसा वाइब्रेशन करता हूं मत भाई गलत घर में आ गया शायद मैं अरे अरे मैं क्या अरे ये क्या क्या लगे ब्लू 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 दो मिनट रुको मैं अभी बताता हूँ तुम्हारे ऐसा दिख रहा हूँ साफ साफ हो गया हूँ क्या तो भी तुम्हारे को तुम्हारे मेरे को एक्ने पिंपल और ऑयली स्किन का भयानक प्रॉब्लम है मेरे को भी बहुत हो गए प्रॉब्लम इस पोल्यूशन वगैरह की वजह से तो इसके लिए मेरे पास 100% सोल्यूशन है मुश्ताक का एक क्रैक कॉम्बो जिसमें आता मुश्ताक का स्किन लाइटनिंग ऑयल और इसमें है एलोवेरा और हल्दी के गुण जो तुम्हारे स्किन पोर्स और डेड स्किन क्लीन करते हैं और ये स्किन में इजीली अब्सॉर्ब भी होता जिससे तुम्हारी स्किन मॉइस्चराइज होती और तुम्हारी स्किन अंदर से लाइट एंड ब्राइट दिखती बस इसके 3-4 ड्रॉप्स अपने हाथ में लेकर अच्छे से फेस पे अप्लाई करना है और उसके 10 मिनट के बाद इसका फोमिंग फेस वॉश से अपने चेहरे पे इस सिलिकॉन ब्रश की मदद से वॉश करना है और इसके अंदर लिक्रिश के एक्सट्रैक्ट से जो पिगमेंटेशन कम करे और इंस्टेंट ग्लो करता है और तो और ये SLS और पैराबेन फ्री है और फिर देखो मामा इसे तुम रिजल्ट अरे वाह क्या बात है भाई जबरदस्त दिख रहा है कैम्बो को भी अब कॉम्बो होना ही है अरे बहुत आसान है तुम भी मंगा लो ऑनलाइन ये देखो फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों में भी अवेलेबल है और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दिया और साथ ही साथ पिन टू टॉप कमेंट में भी ये लिंक है और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते तो एक काम करो कॉम्बो तुम भी ये कैम्बो मंगा लो कैम्बो मेरा नाम है कॉम्बो मंगवा लो बोलो सुबह 7 बज रहे और पापा एक सरप्राइज दिए कल रात को फोन करके बोले चलो नागार्जुन सागर जाएंगे और ऑलरेडी उन्होंने टिकट्स बुक कर दिए चलो आपको लेके चलते हैं एक ट्रिप नागार्जुन सागर डैम पे क्यों बोले तो बारिश जबरदस्त हो रही और इंशाल्लाह पानी का फ्लो भी बहुत सॉलिड मिलेगा वहाँ पे बस बोट राइड मिल गया तो मजा आ जाएगा कंट्रोल रूम के ऑपोजिट तेलंगाना टूरिज्म 8 बजने वाले 7:30 को बस का टाइम था और वेलकम टू इंडिया उसके लिए वेट करें जब तक एक चीज़ है कैम्बो तुम्हारे लिए देखो ये ज़रा लिस्ट बना लो ये चीज़ों का टूरिज्म का पूरा कार्ड ला हमें ये हमारे बस के पायलट तिम्मगल्ला राम लो कितने साल से ना 20 साल हो गए हम लोग का प्लेन गेज 747 में आए हम लोग कितों के ऊपर चढ़ाए गए और राम लो बिगाड़ी निकलेंगे इंशाल्लाह ये साल तो निकलने वाले हैं सभी थर्टी ब्रेकफास्ट का पहला स्टॉप रफली 100 किलोमीटर दूर नहरी पाए मिलता क्या जरा पूछेंगे जाके अंदर फर्स्ट टाइम सब्जा वाला पी रहा हूँ मैं पहली बात इसको गौर करो इन थोड़ी देर में रिंगते वैसा दिख रहा अंदर रिंगते बाहर आते हाय अरे खामोश चल दे तो अभी रामदेव बोले
बाहर बंदना बहुत है, फोन चल जाता अगर विंडो के बाहर रखे तो। एक बज रहे 15 मिनट का ब्रेक लंच का, उसके बाद स्ट्रेट बोटिंग के लिए पिकअप पॉइंट पे जाना है। साथ है अजीम भाई। अजीम भाई कहाँ के आप? हैदराबाद। हैदराबाद में कहाँ के? मेहदीपट्टनम। अच्छा, आपका काम आज का ये टूर का जो है कोऑर्डिनेट करने का? कोऑर्डिनेट बोले तो हेड काउंट आप ही ले रहे ना जब से, कोई भी घूम जाए बोले तो जिम्मेदारी आपकी हो। जी हाँ। वही से पहले मसला? यस। नहीं नहीं वैसे नहीं, घर पे आ गए क्या लोग? मिस होता बोले तो मतलब कोई वॉशरूम में चले गया, कोई खाने चले गया, कोई बोटिंग में चले गया, तो पिकअप और ड्रॉपिंग में एवरी टाइम काउंट करके हेड काउंट करके ऑल टुगेदर। किसी का पेट खराब हुआ तो आप गालियां देते होंगे? यस। आधे घंटे का बोट टूर है, फिर वापसी का आधा घंटा? वापसी फिर आधा घंटा। सेम स्पॉट? सेम स्पॉट, यही स्पॉट। राइट बॉस। और ये जबरदस्त लड़ाई होते मार इतना बढ़ते ना नो बेक को सावधान तो है नहीं तमाम जी भी आप इधर लाख बना निकल लाख बढ़ते है तो और मस्त फाइटिंग होते हुए थोड़ा अब बोट में मिल रहे कहते ना दोनों फिर मार लेते एक दूसरे को। यस। तो प्योर पर फोन में अंदाजा नहीं आ रहा हूं लेकिन जो व्यू है ये माशाल्लाह। फोर्टी थ्री का हिसाब है। इनके इस नजर नहीं आ रहा, झरना है बहुत छोटा। क्या बोले तो मॉनसून सीजन। अब बोट रुकी एक जगह, एक जाना खुशी से पुकारा अंदर, थाईलैंड है थाईलैंड है, मैं परेशान पलट के देखा तो आइलैंड है। यस। स्वदेश फिल्म की फीलिंग आ रही, पानी की तड़पते देखो ना, आओ बोल के गांव में, अब यहाँ सामने देखा तो खुशी हो रही। हमारे गाइड अजीम भाई दिए एक घंटे का टाइम, 15 मिनट खाली सड़ियाँ चढ़ने में रह गए, लेकिन अलहमदिल्ला बारिश के आसार है, आवाज़ आई नहीं है, नहीं मान देखो थंडरिंग हो रही। जो निकला वो पुराने का थे, ए सी भी हालत के हिसाब से पुराने ही दिख रहे, वही जमाने के दिख रहे इसी। माशाल्लाह जो तेज़ी से बादल आए थे वही तेज़ी से बादल गायब भी हो गए। अम्मा बाजी हर स्पॉट, कोई स्पॉट नहीं छोड़े बाजी, बेचारा परेशान है लाके आज फोटो लेते लेते। पब्लिक इसको बोलते चप्पू, इसको भी एक टैलेंट रहता चलाने का। ये देखो बोलते दो रोटी का सवाल इनकी फोड़े तो। ये दोनों में जंग हो रही जब से, इन्होंने पूरी गैंग की फोड़े, दोनों फोड़ के इन्होंने अकेले खा रहे। आ गया गैंग, बैकअप आ रही, फील्डिंग हो रही है। फोर्ट वेंडी का टाइम यहाँ से फिर वापस, अब बोट में मोस्ट प्रॉब्ली 45 मिनट्स, 1 आवर का रास्ता, और उसके बाद सीधा बैक टू हैदराबाद। गर्मी जो थी मज़ा किरकिरा कर दिया है, टाइम एक्सपेक्टेड नहीं था, क्यों बोले तो हैदराबाद में जिस तरह से बारिश सोचे थे या एटलीस्ट मॉडरेट रेनफॉल तो रहेंगी, लेकिन इट वाज हॉरिबल वेदर एकदम। चलो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सेहत दिए, अच्छा फिर लिए घूम लिए अल्हम्दुलिल्लाह।
जगह खूबसूरत है, नो डाउट जगह खूबसूरत है। नहीं पैदल से गया तो भाई बोल के ऐसा वाइब्रेशन करते हो इधर रहते हो अंदर भाई बहुत पानी आते रहते हैं जाते हैं नहीं उधर तो पानी ऐसा दबा देता ना ऐसा सब करता। ये है द ग्रेट ब्यूटीफुल नागार्जुना सागर डैम द ग्रेट ब्यूटीफुल नागार्जुना सागर डैम और फुल स्पीड से क्या नाम है नाम नहीं पेरों अंडी अलवेलू ये कब का है मैं ये पुराना दिख रहा है बता है दूसरा आज का है తెలుగు లేదు అమ్మా ఖాళీ పైసే గిన్నె గలి ఆతే థోడే ఈ అల్వేలుకి మర్దవే ఆగే ఇన్ను సుసరే దిఖరే तो ये है द ग्रेट नागार्जुना सागर डैम। खाले तुम ना अगर पहचाने तो मैं भी ऑलरेडी तुम लोग व्हाट्सएप पे भेजा लेकिन समझे कि नहीं समझे कि। वो दिख रहा है ब्लैक स्टोन दिख रहा है पायलट के बाजू देखो पायलट राम लोग फोटो ले सेल्फी ले रहे देखो इनको देखो ये देखो वैसे हाँ ये हिस्सा दिख रहा है याद हो स्पॉट 2006 में आप आए थे गाजर मूली काट रहे थे बैठ के चुकन से हमने पूरे सैंडविचेस लाए थे वो स्पॉट था अर्थात तुम लोगों को सबको याद होगा काम कितना लिए तो 2006 बोले तो जरा क्या फिर हिसाब डालता हूँ मैं 16 साल ना 16 ईयर्स ओनली कल हम ना स्पॉट पर बैठे थे ये जूसी है और वो पीरियड की खास चीज़ बोलता हूँ मैं वो टाइम पे स्प्लेंडर बाइक थी सबके पास तो हमला 200-300 रुपए का भराते थे स्प्लेंडर पेट्रोल भरा के स्प्लेंडर पे यहाँ तक आते थे अब ये हिसाब हो गया भाई जरा सनसिटी तक आओ ना बोले तो मेरी कमर मेरे पैर मेरे जोड़े बोल के मर जा रहे पूरे नहीं अलहमदिल्ला मेरी बात नहीं करो मेरे दोस्तों की बात करो अब तुम्हारा फेक आईडियों से कमेंट करके गालियां ना मैं तो लड़ने वाला हूँ आज हम रुक जाओ लड़ाई होने वाली है नहीं नहीं अब लड़ाई है ये गिन लो कितने इधर काउंट कर लो कितने राइट अम्मा टेक केयर तुम्हारा हिसाब ऊपर नीचे नहीं कर सके आई एम सॉरी दो किलोमीटर दूर बता रहा हूँ पापा कैंसिल कर देंगे 2 किलोमीटर दूर दिमाग खराब हो गया उसका मसला ये मेरे नंबर से कनेक्टेड हर कैंसिल पे पैसे कटते ऊपर पिकअप पॉइंट पे रहेंगे वरना आदमी आ गया जी बता फाइनली बैक वापस होम स्वीट होम 12 बज गए और इट वॉज अ गुड फन ट्रिप अच्छी तरह फिटनेस के लिए अगर आपको जाना है और वर्कआउट करने के लिए जाना है तो ये पीरियड आप चुनो नागार्जुना सागर जाने के लिए पानी चौतरफ है लेकिन गर्मी जो भाप मार रही ना एक चीज़ गौर कर रहे हम लोग जब वापस आ रहे थे मेरे पापा हम लोग हैदराबाद एंटर करने का आई थिंक लिटरली 5 मिनट के अंदर तेज़ बारिश शुरू हो गई तो माशाल्लाह से काफ़ी खुशी हुई देख के बैक टू और होम सिटी और आते की एक खूबसूरत सा मंजर तो कुछ ऐसे चीज़ें थे शेयर करना बहुत साल के बाद नागार्जुना सागर गया मैं कई सारे मेमोरीज मेरे को भी वापस रिलीफ करने का मोमेंट था वो दोस्तों के साथ का जो वक्त था फिर फैमिली के साथ जो तकरीबन पूरी जॉइंट फैमिली क्योंकि आज के पीरियड में आप लोग देखेंगे जो जॉइंट फैमिलीज रहते थे वो कट कट के आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए तो वो जो पहले के दिन थे वो अलग ही रहते थे वो याद आते जब पूरे थे फूफू मेरे अपने फुफेरे बहना सब थे जब गए थे नेक्स्ट टाइम जब दोस्तों के साथ मैं गया था 15-16 साल पहले अब क्या है हर एक को कहीं भी कुछ ना कुछ काम रहता तो आ नहीं सकते वो हिसाब से और अब वापस आते वक्त मैं वही सोच रहा था ये रूट बाइक पे कैसा आते थे हम लोग वो भी स्प्लेंडर तो उतना पूरा लंबा रूट हम लोग वापस आए तो कैसा वक्त बदल जाता वॉज फन आप लोग भी अपने हिसाब से नीचे कमेंट करो कि आप लोग भी जब लॉन्ग ट्रिप्स पर जाते थे दोस्त
तो ऐसे किस्म के वाइल्ड जो रोड ट्रिप्स रहते थे, कार का लग्जरी वाला नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि बाइक्स पे निकल जाना करना, आप लोग कितनी डिस्टेंस जाते थे, दूर कैसे जगहों पर जाते थे और क्या करते थे आप लोग भी, नीचे कमेंट करो आप लोग भी। देखेंगे इंशाल्लाह, पढ़ता हूँ मैं कई सारे कमेंट्स, काफ़ी खुशी होती पढ़ के भी। और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हादसे होते थे जब आप घूमने जाते, उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। क्यों बोले तो मैं एक जो पार्ट है आप लोग एंडिंग में देखे, जहाँ पे मौसमी का जूस वो बेच रही थी, और रहते ये लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट गाँव के, लेकिन सेकेंडों में कैसा चाले कि बताते देखो। पूरा जूस देने के बाद हिसाब करके 25 रुपये से जूस बोली, इनिशियल बोली थी 20 रुपये से, अब आप पी लिए, अब आप लड़ लेते ठहरो, बस वाला वहाँ से पुकारा चलो बोल के, फिर आपको जब पैसे वापस कर रहे तो कम पैसे वापस करते। ये हर एक अपना एक चालक की रहता, देखो वक्त के हिसाब से जो फ़ायदा उठाना। तेलुगु तो आती नहीं, हिंदी में गालियाँ शुरू कर रहे, तो पूरा बराबर चेंज के साथ हिसाब वापस आया। तो रहता हर चीज़ एक यादगार रहते, ये भी छोटे चीज़ें रहते। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो तो वो भी कमेंट करो, मेक श्योर चेकआउट कीजिए मुश्ताक का जबरदस्त कॉम्बो और साथ ही साथ मुश्ताक के दूसरे भी प्रोडक्ट्स, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तब तक इंशाल्लाह मिलता हूँ बहुत जल्द। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए मेरे चैनल पे। इंशाल्लाह और जबरदस्त व्लॉग्स आते रहेंगे। जब तक पे टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। भाई वेरी एग्जॉस्टेड, आज वेरी एग्जॉस्टेड। हाँ हेलो, डबल एप्पल आ रहा हूँ बॉस, आ रहा हूँ, अपन एनी टाइम रेडी बॉस।